नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। मैं गौरव आपको आज विटामिनों के रासायनिक नाम, उनके रोग और उनसे होने वाली बीमारी और स्रोत, उन विटामिन किन से प्राप्त होते हैं, बड़ी अच्छी विधि से समझा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखें। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ये किस में प्राप्त होता है, दूध, पपीता और हरी सब्जियों में। उसी आगे चलते हैं विटामिन। विटामिन बी चार प्रकार का होता है दोस्तों, विटामिन B1, B5, B6 और B12। विटामिन B1 किससे प्राप्त होता है, थायमिन, इस रासायनिक नाम है। किससे प्राप्त होता है, अंकुरित अनाज से, अंडे से। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनिक अम्ल। इससे कौन सा रोग हो जाता है, बेलाग्रा रोग। किस में प्राप्त होता है ये, दूध में, मांस में और हरी सब्जियों में। प्रचुर मात्रा में विटामिन क्या पाया जाता है, विटामिन B5। आ गया विटामिन B6, इसका क्या नाम है, थाइरोक्सिन। क्या नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम थाइरोक्सिन। इसे कौन सा रोग हो जाता है, चर्म रोग। विटामिन B6 किस में पाया जाता है, अनाज में और मांस में। आगे चलते हैं विटामिन B12, B12 है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। इससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। इस किस में पाया जाता है, मांस में और दूध में। आगे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल। इससे कौन सा रोग हो जाता है, इससे रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। ये किस में पाया जाता है, नींबू में, आंवले में और टमाटर में। इसका मतलब खटाई में पाया जाता है। आगे चलते हैं विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैरी फोराल। इसका कौन सा रोग है, ये सूखा रोग। स्रोत कौन कौन से हैं, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। आगे है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टंकोफेरल। इससे रोग नपुंसकता, ये किस में पाया जाता है, अंकुरित गेहूं में, दूध में और सब्जियों में। आगे है विटामिन के, इसका क्या नाम है, फ्लोक्विनोस। ये रक्त संबंधी कमी की हो जाती है। इसे ये किस में पाया जाता है, सब्जियां, सोयाबीन का तेल, इनमें ये विटामिन पाया जाता है। वैसे दोस्तों एक याद करने का तरीका है, विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, बी से बी बेरी बेरी, सी शक्कर, बी सी शक्कर, डी डिकेटस। सूखा रोग को एक नाम है रिकेटस, सूखा रोग को हम क्या कहते हैं, रिकेटस। इसको डी डिकेटस, सी सक्करवी, बी बेरी बेरी और एक क्या बच जाएगा, रतौंधी। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको वीडियो को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये विटामिन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।